फ्रेंड्स, काफी समय से जो नरेगा की पेमेंट है वो नहीं आ रही थी गाइस। और जो मध्य प्रदेश में काफी समय से लगभग 1-1.5 महीना हो गया गाइस, मनरेगा की जो पेमेंट है वो नहीं हुई है। तो आप सभी के लिए फाइनली खुशखबरी है गाइस कि मनरेगा की जो पेमेंट है वो होने लगी है। और इसकी जो फर्स्ट पेमेंट है वो किस डेट में हुई है, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जो है वो गाइस मनरेगा की पेमेंट हुई है। और जो नरेगा की पेमेंट है वो आना अब स्टार्ट हो गई है। तो आप गाइस, आपने यदि नरेगा में काम किया था और आपके भी जो पैसे हैं वो पेंडिंग थे गाइस, आपको अभी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ था, तो आप गाइस, आपके लिए खुशखबरी है कि नरेगा की पेमेंट काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 1-2 महीने के बाद गाइस नरेगा की पेमेंट आने लगी है। और जो पेमेंट है गाइस, जिसकी भी पेंडिंग रही होगी 2 सप्ताह 4 सप्ताह 5 सप्ताह की, वो सारी पेमेंट गाइस लगभग 5 से 6 दिन में या फिर 4 से 5 दिन में पूरी पेमेंट गाइस आपके बैंक खाते में आ जाएगी। और गाइस, यदि जब पैसा काफ़ी समय के बाद आता है फ्रेंड्स, तो जो पेमेंट है, मान लीजिए आपने नरेगा में 5 सप्ताह काम किया था, मान लीजिए आपने मनरेगा में ओवरऑल 5 वीक काम किया था, तो 5 सप्ताह काम आपने किया था गाइस, तो उसकी मान लीजिए एक पेमेंट आ गई है, तो उसके जस्ट सुबह मान लीजिए आपकी एक सप्ताह की पेमेंट आई, तो जस्ट शाम को दूसरे सप्ताह की भी आ जाएगी। उसके दूसरे दिन यानी कि 3-4 दिनों में फ्रेंड्स सारी 4-5 सप्ताह की पेमेंट जो है वो पूरी पेंडिंग पेमेंट नरेगा की हो जाती है। मैं आपको लाइव बताता हूँ गाइस कि किस डेट को जो है वो सबसे पहली पेमेंट नरेगा की क्रेडिट हुई है। और देखिए गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारी ये मस्टर थी फ्रेंड्स 2 महीने पुरानी थी, और इसकी जो वो 2 महीने से फ्रेंड्स इसमें पेमेंट नहीं हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं 7/5/2023 को, यानी कि 7 मई 2023 को इसमें पहली पेमेंट आई है फ्रेंड्स। यहां पर आप देख सकते हैं 7 मई 2023 को इसमें अमाउंट जो है वो क्रेडिट दिखा रहा है, एमपी का है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिटेड अमाउंट दिखा रहा है, 7 मई 2023 से अमाउंट जो है वो नरेगा का पैसा एमपी में आना चालू हो गया है। और यदि फ्रेंड्स आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की भी हाजिरी थी और उसकी भी पेमेंट अभी पेंडिंग थी, तो आप सभी अपने अकाउंट जो है वो चेक करवा लीजिए और पैसे को जो है वो निकलवा लीजिए गाइस, ताकि आप अपना आवास का कार्य पूर्ण कर सकें। और यदि आपने मनरेगा में काम किया था गाइस, तो आपके लिए तो एक खुशखबरी है ही कि आप भी अपनी जो पेमेंट है उसे निकलवा लीजिए, ताकि आप उसका उचित उपयोग कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।